नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में एक बेहतरीन उपाय लेकर आया हूँ। यदि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है तो इस उपाय को करें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में कई परेशानियां आ जाती हैं, अचानक से दुखों का घेरा घेर लेता है, कष्ट हटने का नाम नहीं लेते हैं, एक के बाद एक नई मुसीबत सामने आ जाती है, कोई रास्ता नजर नहीं आता है, धन की तंगी हो जाती है, आय के स्रोत कम होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में कौन सा ऐसा कार्य किया जाए कि सभी संकटों का हो जाए। देवताओं में भोलेनाथ शिव शंकर को सबसे ज्यादा दयालु माना जाता है। सच्चे मन से की गई किसी भी जातक के द्वारा पूजा बेकार नहीं जाती। कुछ बेलपत्र, पुष्प व अक्षत के कुछ दाने उनको खुश करने के लिए काफी है। बस आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, जिनको करके आप अपनी परेशानियों का हल आसानी से खोज सकते हैं। आज के ये उपाय लौंग से रिलेटेड है। लौंग एक ऐसी वस्तु है जो कि लगभग हर एक घर में पाई जाती है। इसका प्रयोग टोने टोटके से लेकर पूजा व खाने तक किया जाता है। लौंग का आपको एक ज्योतिषी उपाय बताते हैं। सबसे पहले भगवान शंकर को खुश करें, इसके लिए पास के शिव मंदिर में स्नान आदि करके जाएं, साफ वस्त्र पहने होने चाहिए। अब वहां आप 51 बार या 101 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप पूरी श्रद्धा व भक्ति के साथ करें। नौकरी में तरक्की, अपनी शिक्षा में उन्नत, बिजनेस की प्रोग्रेस आदि ये सभी आपके शिव जी की कृपा से हो सकते हैं, क्योंकि ओम नमः शिवाय का जप निगेटिविटी को दूर करता है तथा जातक का मन शांत होता है। उपाय हेतु आप शिव को प्रिय लगने वाले 3 की संख्या में बेलपत्र लें। ध्यान रखें, 3 पत्तियों का एक बेलपत्र माना जाता है। बेलपत्र कटा फटा ना, इसके साथ प्रत्येक पत्र के साथ लौंग का एक एक जोड़ा लें। लौंग फूला सहित होनी चाहिए। अब एक बेले व एक लौंग के जोड़े को एक एक करके शिव को अर्पित करना है तथा प्रत्येक के साथ 21-21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना। यह उपाय आप सोमवार के दिन सच्चे भाव से करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी हर एक मनोकामना भविष्य में पूरी हो सकती है। इन उपायों के साथ साथ आप अपने प्रयास भी करते रहें, तभी आपको इसका फल मिलता हुआ नजर आएगा। इस उपाय को करने से आप काफी हद तक सब कुछ बदला हुआ महसूस करेंगे। कई प्रकार के शारीरिक कष्ट, आर्थिक संकट, जॉब की समस्या आदि से आपको राहत मिल सकती है। शिव जी आपकी सभी प्रकार की प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, आपका दिन मंगलमय हो।